गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे डिस्कस लेसन नंबर फर्स्ट बायोलॉजी 12th। द लेसन नेम रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स प्लांट्स डिवाइडेड इन फोर मेन डिविजन्स, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। मेन फाइव डिविजन एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। The best quality, the well developed plant, angiosperm plant. In this lesson, the discuss angiosperm plants. Angiosperm plants divided two main parts, sporophyte and gametophyte. Sporophyte main plant body have diploid. Sporophyte main plant body diploid and gametophyte depend on the sporophyte. Gametophyte haploid part of a angiosperm plant. टू एन स्ट्रक्चर स्पोरोफाइटिक, तो मेन प्लांट बॉडी होती है इन जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, स्पोरोफाइट होते हैं। इसी प्लांट बॉडी पर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, उसमें जो गैमिट्स बनते हैं वो स्वतंत्र अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते, वो इसी पर ही डिपेंड रहते हैं। तो गैमेटोफाइट जो जनरेशन है वो डिपेंड ऑन स्पोरोफाइटिक। द स्पोरोफाइटिक मैन फ्रीली सर्वाइल ऑन अर्थ सरफेस, स्पोरोफाइट। इन दिस लेसन द रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, टू टाइप रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन गैमिट्स फॉर्मेशन एंड फ्यूजन डू नॉट टेक प्लेस। गैमिट्स फॉर्मेशन एंड फ्यूजन डू नॉट टेक प्लेस। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एपोमिक्सिस मेथड आर जेनेटिकली आइडेंटिफाई दिस प्लांट। जो न्यू प्लांट है जेनेटिकली एंड आइडेंटिफाई टू द पेरेंट्स प्लांट्स सो कॉल्ड क्लोन्स। सेम कॉपी होते हैं पेरेंट्स प्लांट्स के, जो न्यू जो वेराइटी जो न्यू प्लांट्स बनते हैं, जो न्यू प्रोजेनी बनती हैं वो सेम क्या होती है, जेनेटिकली आइडेंटिकल सेम होती है, ऐसे प्लांट को बोलते हैं क्लोन्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द टू टाइप्स, द मेथड टू टाइप्स, ए गैमोस्पर्मी, ए गैमोस्पर्मी द विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन। व्हाट इज ए गैमोस्पर्मी, द विदाउट फर्टिलाइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ ए सीड, सीड फॉर्मेशन इज प्रेजेंट बट गैमिट्स डू नॉट डेवलप। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स टेक प्लेस फ्रॉम एनी ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स। प्लांट के किसी भी भाग से हम क्या बना सकते हैं, न्यू प्लांट्स बना सकते हैं। दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। द मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन, टू मेथड्स, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम, बाय स्टेम, बाय रूट्स, by leaves, by other reproductive parts, first part, by stem, modified stem such as the rhizome in ginger, corn, potato, tuber, bulbils in garlic, stole in strawberry, runner in grasses, 2-3 examples remember, by stem. Modified stems such as rhizomes, example ginger, runner in grasses, second type by roots. The new plants develop by roots, example neem, jasmine, rosewood, sesame, tuberous root and advanteous root. Buds develop with the form same plant as a parent's plant. तो कौन सी रूट से, ट्यूबरस रूट्स और कौन सी एडवांटेजियस रूट से न्यू प्लांट बन जाते हैं, स्वीट पोटेटो, एस्पेरेगस, डहेलिया। तो ये कुछ एग्जांपल हैं इनके बाय रूट्स के द्वारा।
हर्ड बाय लीव्स इन ब्रायोफिलम एंड बिगनोनिया. ब्रायोफिलम फ्रॉम लीफ मार्जिन्स एंड बिगनोनिया फ्रॉम पीटियो, पार्ट ऑफ ए पीटियो एंड सरफेस ऑफ लीव्स वेन्स एडवांटियस बट डेवलप विच गेट ए डिटेच्ड एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स. इसमें पत्तियों पर मिट्टी गिरने से, बरसात होने पर इसके जो मार्जिन्स होते हैं उनसे न्यू प्लांट्स का डेवलप हो जाता है. ये है बाय लीव्स. अगला है बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. इन सम प्लांट्स फ्लावर बड कन्वर्टेड इनटू द बुलबिल्स, द पार्ट नेम बुलबिल्स. एग्जाम्पल्स अगेव डिस्कोरिया. तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नेम बुलबिल्स, एग्जाम्पल अगेव डिस्कोरिया. सेकेंड मेथड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्री पार्ट्स: कटिंग, स्टेम कटिंग, रूट कटिंग एंड सेकेंड लेयरिंग, माउंट लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग, थर्ड ग्राफ्टिंग. द फर्स्ट स्टेम कटिंग. स्टेम कटिंग, स्मॉल स्टेम कटिंग ऑफ प्लांट्स आर बिल्ड इनसाइड सॉइल. प्लांट्स के छोटे छोटे भाग अलग करके उसी से क्या बनाते हैं, न्यू प्लांट्स बना लेते हैं. इसी को बोलते हैं स्टेम के पार्ट, स्टेम कटिंग. एग्जाम्पल शुगर केन्स, ग्रेप्स, रोज. रूट कटिंग, रूट के छोटे छोटे पार्ट करके उनको जमीन में जर्मिनेशन करवा देते हैं. एग्जाम्पल लेमन, गुआवा, एप्पल से चेरी. लेयरिंग, लेयरिंग ऐसे प्लांट्स से जिन जिनमें जो न्यू प्लांट बनाने के लिए जो ब्रांचेज हैं वो उससे टच होती हैं, उन ब्रांचेज से ही क्या बनाते हैं, न्यू रूट्स बनाते हैं. तो लेयरिंग इज टू टाइप, माउंट या सॉइल लेयरिंग, सेकेंड है एयर लेयरिंग. सेकेंड है एयर लेयरिंग. फर्स्ट माउंट लेयरिंग, द ब्रांच इज सॉफ्ट. इस प्रकार के प्लांट में ब्रांच क्या होती है, सॉफ्ट होती है. उसको भूमि के अंदर ऐसे दबा के, उस पर मिट्टी लगा के, उस पर पानी से गीला रखते हैं, तो थोड़े दिनों बाद में वहां से रूट डेवलप हो जाती हैं. इसी को बोलते हैं माउंट या सॉइल लेयरिंग. इन माउंट लेयरिंग ऑफ द इन फाइनेंशियल ब्रांच ऑफ स्टेम इज कवर्ड बाई सॉइल ड्यूरिंग लेयरिंग इज शुड बी रिमेम्बर्ड द वन और मोर नोड्स आर द ब्योरिंग इन सॉइल एंड द लीफ बेरिंग पार्ट्स शुड रिमेन्स अबव ग्राउंड. सेकेंड आता है एयर लेयरिंग. एयर लेयरिंग जिनमें ब्रांच क्या नहीं हो, सॉफ्ट नहीं हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, ब्रांच के ऊपर ही उसका जो ब्रांच है उसका आउटर कवर को क्या कर देते हैं, द कवर्ड स्ट्रक्चर इज, इस आउटर कवर को ही क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, उस पर रस्सी लगा देते हैं. इस कवर को हटाने को बोलते हैं गुट्टी. द सेकेंड नेम एयर लेयरिंग इज ए गुट्टी. और फिर उस पर हम दूसरे विशेष प्रकार के पार्ट से या घड़े से पानी गिराते हैं, तो यहाँ पर नीचे जहाँ से हमने इसको रस्सी से ढक रखा है वहाँ से रूट से डेवलप हो जाती हैं. इसी को बोलते हैं एयर लेयरिंग या गुट्टी. अगली नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं, पेम चढ़ाना भी बोलते हैं ग्राफ्टिंग. इसमें एक तो होता है लो कैटेगरी की वेराइटी, एक होती है हाई कैटेगरी की वेराइटी. जो लो कैटेगरी की वेराइटी होती है जिस पर हमें पेन चढ़ाना है उसे तो बोलते हैं स्टोक. जो एडवांस कैटेगरी की जो वेराइटी है उसको बोलते हैं सियोन. तो दो डेफिनेशन है सियोन एंड स्टोक. द सुपीरियर प्लांट पोर्शन दैट इज टू बी ग्राफ्टेड इज कॉल्ड सियोन. द सेकेंड इन्फीरियर लोकल प्लांट ऑन विच द सियोन इज टू बी ग्राफ्टेड इज कॉल्ड स्टोक. टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग, वीप या टंग ग्राफ्टिंग. इसमें वी आकार का दोनों की क्या होनी चाहिए, जो थिकनेस है वो सेम होनी चाहिए, और वी आकार का कट लगा देते हैं, इसे बोलते हैं टंग ग्राफ्टिंग. सेकेंड वेज ग्राफ्टिंग. इसमें दोनों का क्या होना चाहिए, डायमीटर सेम होना चाहिए, व्यास. और उस व्यास में दोनों को क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं वी आकार का कट लगा के. थर्ड आता है क्राउन ग्राफ्टिंग. क्राउन ग्राफ्टिंग में स्टोक तो होता है एक मोटे आकार का, और उस पर कट लगा के एक से अधिक क्या लगाते हैं, सियोन सेट कर देते हैं, उसे बोलते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग. फोर्थ है बड ग्राफ्टिंग. बड ग्राफ्टिंग में स्टोक के ऊपर टी आकार का कट लगा लेते हैं, और उस टी आकार के कट में सियोन को सेट कर देते हैं, किसको, सियोन को. तो ये हो गई बड ग्राफ्टिंग.
तो फोर टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग, वीप ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग और बड ग्राफ्टिंग। ओके,